इन दिस मॉड्यूल वी विल सी हाउ डज़ द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस टेक्स प्लेस अब एक्डाइस का प्रोसेस आर्थरोपोड्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्चुअली एनिमल्स का एक्सोस्लिटन अगर एक्डाइसिस का प्रोसेस ना हो तो एनिमल जो है वो अपने साइज़ को या अपनी ग्रोथ के प्रोसेस को कम्प्लीट नहीं कर सकता अब इस एक्डाइसिस के लिए देखना यह है कि ये प्रोसेस किस तरह से होगा एक्डाइस के प्रोसेस को हम फोर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं सबसे पहली स्टेज जो है इसके दौरान मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे और ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे हाइपोडर्मल ग्लैंड से अब उस एंजाइम से क्या होगा जो कि ओल्ड क्यूटिकल है वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और ये हाइपोडर्मस को सेपरेट कर देगा एक्सो स्केलेटन सेकेंड स्टेप में क्या होगा न्यू क्यूटिकल और एपी क्यूटिकल्स जो हैं ये सिक्रीट होंगे थर्ड स्टेज में क्या होगा जो ओल्ड एक्सो स्केलेटन है दिस विल नॉर्मली सप्लिट और सप्लिट होने के बाद दिस विल ओपन अलोंग द प्रीडिटर्मेंट एक्डाइस लाइन्स और उस दौरान जो है एनिमल अपने आप को की एनिमल अपने आप को स्ट्रेच करेगा अब स्ट्रेच करेगा उस एन्वायरमेंट में अगर वो एयर में रह रहा है तो एयर में अपने आप को स्ट्रेच करेगा अगर वाटर में रह रहा है तो वाटर में स्ट्रेच करेगा और वाटर में अगर रह रहा है तो इसके पोर्स जो हैं नॉर्मली प्रोक्यूटिकल में दे सिक्रीट एडिशनल एपी क्यूटिकल अब फाइनल क्या होगा फोर्थ स्टेज इस फाइनल स्टेज में जो कि कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है दिस विल डिपॉजिट और उसके रिज़ल्ट में सिकलिटाइजेशन का प्रोसेस होगा सिक्रीटाइजेशन के रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो नया एक्सोस्केलेटन है वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू हो जाएगा और ड्यूरिंग द फ्यू डेज ऑफ हार्डनिंग हार्डनिंग के प्रोसेस के कुछ दिनों के बाद जो है आर्थ्रोपोड्स जो हैं दे आर वर्नरेबल टू अटैक टू प्रीडेटर्स एज वेल एज डिफरेंट हैज टू द एन्वायरमेंट अब इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक डाइसिस का प्रोसेस कैसे होगा सबसे पहले इसकी आप बॉडी लेयर्स देखें हाइपोडर्मस प्रोक्यूटिकल एपिक्यूटिकल फर्स्ट स्टेज में एंजाइम्स सिक्रीट होंगे बाय द हाइपोडर्मस ग्लैंड इस एनजाइम के रिजल्ट में यूजली कुछ इसके डाइजेशन स्ट्रक्चर्स की हो जाएगी और स्ट्रक्चरिंग के डाइजेशन के बाद अगली स्टेज के अंदर यहाँ पर मोल्टिंग जेल जो है दैट विल अपीयर और सी में आहिस्ता आहस्ता जो इसके ओल्ड स्ट्रक्चर डैमेज हो गए थे ड्यू टू द एंजाइम्स सिक्रीटेड बाय द हाइपोडर्मल ग्लैंड्स ये हाइपोडर्मस है यहाँ पर मुख्तफ़ ग्लैंड्स मौजूद हैं ये एंजाइम्स को सिक्रीड करते हैं अब ये मोल्टिंग जेल जो है यहाँ पे इसकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई है इसकी तादाद बढ़ने से क्या होगा न्यू क्यूटिकल और प्रो क्यूटिकल जो हैं ये अपीयर होंगी अब न्यू क्यूटिकल और प्रो क्यूटिकल के अपीयर होने से अगले स्टेप में जो पुराना एपिक्यूटिकल और और क्यूटिकल था दैट इज़ नाउ शेडिंग ऑफ जब नया इसके अंदर लेयर बन गई एपिक्यूटिकल की और प्रोक्यूटिकल की तो जो पुरानी लेयर्स थी एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल की वो आहिस्ता आहिस्ता शेड ऑफ हो गई जब ये शेड ऑफ़ हो गई तो इसमें जो सिक्रिट्री पोर्स थे कैनल्स के, के लिए न्यू एपिक्यूटिकल में आहिस्ता आहिस्ता वो भी उभरना शुरू हो गए और नए लेयर जो है नई एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल की फॉर्मेशन जहाँ पर कंप्लीट हो गई थ्रो थ्रू दिस डायग्राम वी कैन एक्सप्लेन हाउ एक्डाइसिस अकर्स इन एक्सोस्केलेटन ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थरोपोटा